आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की सुंदर और खूबसूरत दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और ये दिन हमारे लिए खुशी आनंद में बदल जाए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 3 अध्याय के वचन 17 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैं प्रभु को आंतरिक दिल से कोटि कोटि धन्यवाद की बलि चढ़ाती हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें वचन दिया है। इस वचन के लिए मैं प्रभु के नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि यह वचन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वचन जिंदा, समर्थी और शक्तिशाली है। इस वचन में जो लिखा है वह सत्य है। परमेश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर किसी को दंडित नहीं किया, किसी को अपराधी नहीं ठहराया, किसी को श्राप नहीं दिया और किसी को पापी नहीं बनाया, बल्कि उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों के कारण मारा गया, हमारे अधर्म के कारण उस पर तारना पड़ी। जो गलती हमारे हाथों ने किया था उस गलती की सजा हमारे हाथों की वजह उसके हाथों को मिली, उसके हाथों में कील ठोका गया। जो गलती हमारे पैरों ने किया था उस गलती की सजा हमारे पैरों की वजह उसके पैरों को मिली, उसके पैरों में कील ठोका गया। जो पाप की गठरी हमें अपने सर पर लेकर ढोना था लेकिन हमारे पाप की गठरी उसने अपने सर पर ले लिया, उसके सर पर काट का मुकुट रखा गया। हमारे गलतियों की वजह से जो तरना हमें मिलने वाला था उस तरना को भी उसने अपने ऊपर ले लिया। उसके ऊपर बहुत तरना पड़ी। जिस गलती की वजह से हम पिटाने वाले थे उसने उस गलती को भी अपने ऊपर ले लिया। उसको 39 कोड़ा लगा और एक मेमने की तरह अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने हमारे लिए अपनी एक एक लहू की बूंदों को बहा दिया। आज हम उसके इस पृथ्वी पर आने से ही और बलिदान होने से ही पाप, श्राप और शैतान से छुटकारा पाए हैं। उसके कोड़े खाने से ही हम रोगों से चंगे हुए हैं। उसके क्रूस पर खून बहाने से ही हम शुद्ध और पवित्र हुए हैं। इसलिए हे मसीह लोगों, प्रभु यीशु पर अधूरा विश्वास नहीं बल्कि पूरा विश्वास कीजिए। सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रभु के पास मत रहिए। अगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रभु के पास रहिएगा, उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, तो ध्यान से सुनिए यूहन्ना रचित शुभ समाचार 3 अध्याय के वचन 18 में क्या लिखा है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो मैं यह विश्वास करती हूँ कि अब सब प्रार्थना सुनने वाले प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो चलिए आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रभु के पास सिर्फ अपने फायदे के लिए उस पर विश्वास नहीं करते। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन लोगों को भी अपने विश्वास में मजबूत बनाकर नरक जाने से बचाए और उनके ऊपर भी कोई दंड की आज्ञा ना हो। तो अब हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 हो प्रभु का, प्रभु धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रेमी पिता आपका धन्यवाद हो, उद्धारकर्ता यीशु की धन्यवाद हो, राजाओं का राजा यहोवा की स्तुति हो, प्रभु का प्रभु पिता की धन्यवाद हो, स्तुति 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 हो जनत के बादशाह, प्रभु जी आपका बहुत बहुत महिमा हो। खुदा प्रभु हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं,
हमें आज का दिन दिखाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हमें छुटकारा देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद हो। हमें चंगाई देने वाले यीशु आपका धन्यवाद हो। हमें अपना लहू से धोने और पवित्र करने वाले खुदा आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे जिंदा खुदा आपकी स्तुति और महिमा हम अपने पूरे हृदय के साथ करते हैं। प्रभु हम अपने शरीर और आत्मा दोनों से आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे लिए इस पृथ्वी पर आने वाले प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। राफा प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम आपके समक्ष में आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप महिमा प्रशंसा और स्तुति के योग हैं, क्योंकि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। प्रभु आपने हमें अपने से कभी अलग किया नहीं। प्रभु जी आपने हमसे कभी दूर नहीं हुआ। खुदा आपकी महिमा हो। प्रभु जी हे पिता शाम से लेकर अभी तक हमको संभाला। प्रभु जी आपकी प्रशंसा हो। हे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप हमें आगे भी हमें संभालेंगे और हमारे आज के हर जरूरतों को पूरा करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका बहुत बहुत महिमा हो। हमें संभालने और संग संग रहने वाले परमेश्वर आपका स्तुति हो। खुदा जी आप हमारे जीवन है, हमारे ज्योति, हमारे जीवन में आशीष देने वाले खुदा आपकी स्तुति हो। हमारे जीवन में खुशी भरने वाले खुदा आपकी महिमा हो। हमें शांति देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हमें श्रापों से छुटकारा देने वाले प्रभु आपकी महिमा हो। हमें विश्वास में मजबूत बनाने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो। और हम पर प्रभुता करने वाले परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति हो। हे स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाले खुदा आप अति महान परमेश्वर हैं। हे प्रभु जी आपकी महिमा अपरंपार है। आपका हम पर किया हुआ प्रभुता सामर्थ्य और शक्तिशाली है। हे खुदा आपका वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति और हमारे लिए सुरक्षा है। हे शांति का सोता परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर आपका महिमा अपरंपार है। हे खुदा आप महिमा स्तुति और प्रशंसा के योग है। महिमा 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 हो मेरे पिता परमेश्वर आपकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे। हे हमें माँ से भी बढ़कर प्रेम करने वाले परमेश्वर हमारे अंधकार भरे जीवन में ज्योति लाने वाले परमेश्वर आपकी महिमा हो। हमें नया जीवन देने वाले ज्योतिमय प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए। हे खुदा जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आपके उपस्थिति में बैठे हैं उनके मन को एकत्रित कीजिए। प्रभु जी आप अति महान परमेश्वर है। हे महानों का महान परमेश्वर आपकी दया इस प्रार्थना के सुनने वाले सारे लोगों पर हो। प्रभु जी उनके ऊपर आपका अनुग्रह हो, आपका दया हो, आपका आशीष हो, आपका ज्योति उन्हें मिले, आपका सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो, आपका पवित्र आत्मा उन्हें प्राप्त हो। आपका आशीष इस प्रार्थना को सुनने वाले और उनके पूरे परिवार को मिले। प्रभु जी जो अभी मेरे साथ इस प्रार्थना में लोग शामिल हैं, हे खुदा उनको आपका पवित्र आत्मा और सामर्थ्य प्राप्त हो। प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन लोगों को विश्वास में वचन में प्रार्थना में मजबूत बनाइए। प्रभु जिनको प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है प्रभु उनके ऊपर दया कीजिए कि उनका मन प्रार्थना में लग सके। हे खुदा जिनको वचन पढ़ने में मन नहीं लगता है उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए कि वचन पढ़ने में उनको मन लग सके। प्रभु जी आप अपनी समझ सोच विचार चाल चलन व्यवहार बुद्धि इन लोगों को दीजिए ताकि आपके वचन के अनुसार ये लोग चल सके, आपकी आज्ञा को लोग मान सके और पूरा करने पर। प्रभु जी और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग अभी भी आपसे दूर रहते हैं। हे खुदा जो भी लोग अपने ओठों से आपका पवित्र और समर्थित नाम को लेते हैं प्रभु सब आपके हैं। हे खुदा उन लोगों को भी अपने विश्वास में मजबूत बनाए।
प्रभु उनके अंदर पवित्र वचन को रोपिए। प्रभु जो लोग वचन पढ़ते हैं उन लोगों के अंदर ऐसे कार्य कीजिए लोग उस वचन पर चल भी सके, उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए। प्रभु जी आप अपनी उनको पवित्र आत्मा और सामर्थ्य दीजिए। प्रभु जो वचन को वे लोग सुने पढ़े उस वचन को वे लोग अपने हृदय के पट्टियों पर लिख भी सके। हे प्रभु जी सबके अंदर आपका वचन रहे, लोग आप पर विश्वास करें, आपका भय माने, आपके वचन के अनुसार चले। हे स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाले पिता परमेश्वर, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और आपने हमारे अधर्म के सारे बोझ को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के ऊपर ला दिया। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं, आपका प्रेम अति उत्तम है। हे खुदा आपका प्यार वर्णों से अपार है। हे करुणामय परमेश्वर आपकी करुणा महान है, आपने अपनी करुणा से हमारे ऊपर आज के प्रकाश को उदय किया। प्रभु आप आराधना के योग है, प्रभु आपकी महानता अपरम पार है। हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर उन लोगों को भी उद्धार कीजिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए। प्रभु आप अपनी बड़ी दया के अनुसार इनकी रक्षा कीजिए, इनके ऊपर से पाप श्राप और शैतान को नष्ट कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा और सामर्थ हमेशा इनको मिले। प्रभु ये लोग आपसे बंधे रहने पाए, प्रभु जी कोई भी परिस्थिति आपसे इन लोगों को अलग ना करने पाए। हे खुदा इन लोगों को आके झील में जाने से बचा लीजिए। प्रभु जी ये सब आपके हैं, हे खुदा इनके ऊपर प्रभुता कीजिए, इनके ऊपर दया कीजिए, इनके ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु जी अपनी बड़ी दया के बहुतायत से इन लोगों को बुलाए हुए नहीं बल्कि चुने हुए लोग बनाइए। हे प्रभु जी, हे परमेश्वर, हे खुदा इनके ऊपर दंड की आज्ञा ना हो। हे मेरे परमेश्वर जो जो लोग मेरे प्रार्थनाओं को सुनते हैं उन लोगों के ऊपर दया कीजिए कि उन लोगों के ऊपर भी दंड की आज्ञा ना हो। हे मेरे खुदा आपका अनुग्रह उनके और उनके पूरे परिवार के ऊपर हो। प्रभु जी आप हर एक लोगों को शांति प्रदान कीजिए, खुशी प्रदान कीजिए, अपनी शक्ति सामर्थ प्रदान कीजिए। हे खुदा आपका अनुग्रह महान है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज दिन भर की जरूरतों को पूरा कीजिए। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होने पाए, हमारे लिए मगन आनंद और शांति का दिन होने पाए। प्रभु जी हमारे आज के हर कामों को सफल कीजिए। हे योना के परमेश्वर आज हम जिस जिस कामों में अपने हाथों को बढ़ाए वो काम सफल होने पर। प्रभु जी आज दिन भर की रोटी हमें दीजिए और हमें परीक्षा में पड़ने से बचाइए। प्रभु जी जैसा राज आपका स्वर्ग में है वैसा ही राज आपका इस पृथ्वी पर भी हो, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो, जाति जाति के लोग आपकी स्तुति करें, पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग आपकी महानता का बखान करें। प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं। हे खुदा आपके अनुग्रह हमारे देशों पर हो, प्रभु हमारे देश पर आपकी आशीष हो। प्रभु जी सारे देश सारे राज पूरी इंडिया पर आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो। प्रभु जी हमें बुद्धिमान सामर्थी और शक्तिशाली बनाइए ताकि शैतान कभी हम पर हावी ना हो सके। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसलिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपके सामर्थ और शक्तिशाली नाम में मानते हैं। आमीन। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं। आमीन।